अरे पापा ये क्या कर रहे हो आप? वीडियो शूट नहीं करना क्या? अरे भाई करना है यहाँ पे देख, मैं अपनी कलाकारी दिखा रहा हूँ। अरे कलाकार को आकार मत दो भाई, बाहर आ जाओ जल्दी से। अरे हाँ भाई आ रहा हूँ। ले बेटा मैं आ गया, बता क्या करना है। अरे पापा ये किताब आ गई आपके पास, जो माइक आपके सीक्रेट वाली। अरे नहीं, अभी भी वो जोकर के पास है, ये तो वो वाली हाइड एंड सीक वाली किताब है, जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो मॉब हम बन जाएंगे। तो क्या आज भी हाइड एंड सीक करना है क्या? हाँ कर लेते हैं, लेकिन आज वाला हाइड एंड सीक एकदम डिफरेंट होगा। मतलब डिफरेंट मतलब कैसे? तू यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में भाग सकता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जाके तू हाइड एंड सीक कर सकता है और मैं तेरे को ढूंढने आऊंगा। अरे वाह पापा ये तो मजा ही आ जाएगा, आप तो मेरे को पकड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन एक यहाँ पे चैलेंज है तुझे, मैं पकड़ू उससे पहले आयरन की पिकेक्स बना लेनी है। अगर तू आयरन की पिकेक्स बनाए बिना ही मेरे से पकड़ा गया तो तू आउट हो जाएगा, ठीक है? अरे ठीक है बाबा ठीक है, जल्दी से वो किताब दो जल्दी से। आइए ले, तू जा जल्दी से भाग, मैं 1 से 20 तक गिनता हूँ, ठीक है? अरे हाँ पापा जल्दी से गिनो, 1 से 20 तक गिनो, ठीक है? तो चलो गाइस हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जल्दी से आयरन की पिकेक्स बनानी है उससे पहले कि पापा मेरे को पकड़ ले, मुझे आयरन की पिकेक्स बना लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5। अरे गाइस देखो पापा ने गिनना शुरू भी कर दिया, तो हमें जल्दी से यहाँ पे जाके जल्दी से हमें जल्दी से टूल्स बनाने होंगे। हमारा काम सिंपल ही है, आयरन की पिकेक्स बनाना है, लेकिन हम यहाँ पे चिप सकते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारे पिक्स है, 19, 20। तो चलो गाइस जल्दी से यहाँ पे हम पिक बन जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं PIG। और ये देखो यहाँ पे मैं पिक बन चुका हूँ। अरे बाकी सारे पिक्स कहाँ भाग गए? अरे यार मैं यहाँ पे पिक बना और बाकी सारे पिक्स भाग गए। और ये काऊ यहाँ पे क्या कर रही है? बेटा पिक बन के बैठे हो मजा आ रहा है ना? अरे पापा आप कैसे काऊ बन गए? अरे गाइस जल्दी से भागो। भाई तेरे को किताब देने से पहले मैंने एक पेज फाड़ दिया था उस किताब का। अरे पापा ये तो चीटिंग है। अरे गाइस देखो पापा पीछा कर रहे हैं भाई। अरे गाइस जल्दी से भागना पड़ेगा, अब तो पापा को पता चल गया कि मैं यहाँ पे पिक बनाऊ, जल्दी से यहाँ पे मैं भी काऊ बन जाता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पे लिखता हूँ मैं COW। और ये देखो गाइस मैं यहाँ पे काऊ बन चुका हूँ, ये अब तो पापा नहीं पकड़ पाएंगे। अरे बेटा कहाँ पे हो तुम? अरे पापा मेरे को नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। अरे बेटा मैं यहाँ पे पिक बन के बैठा हूँ, तू कहीं पे दिख नहीं रहा है, तू भी तो पिक बना था ना? अरे पापा मैं बना था लेकिन अब मैं पिक नहीं हूँ। अब आप मेरे को नहीं पकड़ पाओगे ये। अच्छा बेटा चलो कोई नहीं। तो देखो गाइस पापा ये रहे, ये पापा पिक बने हैं और पापा से बच के रहना है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, चलो जल्दी से चलते हैं, हमें बहुत सारे टूल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि है ना क्राफ्टिंग टेबल से ही हम सारा सामान बना पाएंगे। अरे बेटा कहाँ भाग रहे हो, कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं दे रहे। अरे पापा अगर वो मैं बता दूंगा तो फिर हाइड एंड सीक कैसे खेलाएगी? मैं यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ ना, तो जल्दी से आप मेरे को पकड़ो, ढूंढ के बताओ। अच्छा ठीक है चल मैं तेरे को ढूंढ ही लूंगा, अभी तो तूने क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं बनाया होगा। चल जा जल्दी से बना ले। तो चलो गाइस अभी हम क्या करते हैं, अभी हम हीरो ब्रांड बन जाते हैं, क्योंकि है ना ये काऊ बन के तो मैं जल्दी से भाग नहीं पा रहा हूँ। तो चलो जल्दी से हम वो किताब खोलते हैं और यहाँ पे मैं लगता हूँ हीरो ब्रांड। तो देखो गाइस यहाँ पे मैं हीरो ब्रांड बन चुका हूँ, ये अभी मैं तेजी से भाग पाऊंगा। तो चलो गाइस जल्दी से यहाँ से चलते हैं और बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल, उसके लिए मुझे वुड चॉप करना पड़ेगा। अरे बेटा मैं तेरे को देख पा रहा हूँ, तू हीरो ब्रांड बन चुका है। अरे गाइस पापा ने देख लिया, तो जल्दी से पापा आए उससे पहले हम यहाँ से जल्दी से वुड चॉप कर लेते हैं और क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, जल्दी करना पड़ेगा ये सब। अरे बेटा वुड चॉप कर रहे हो, मैं दूर से देख पा रहा हूँ। अरे पापा ये तो चीटिंग है भाई, आप मेरे को देख ही रहे हो। भाई इसमें चीटिंग कैसी, तू यहाँ से गया मैं तेरे पीछे पीछे आ गया और मैं तेरे को देख पा रहा हूँ। अरे चलो गाइस यहाँ से जल्दी से भागते हैं ताकि पापा मेरे को देख ना पाए। एक काम करता हूँ गाइस, अभी मेरे पास वुड आ गया ना, तो जल्दी से मैं यहाँ पे वुड प्लैंक बना देता हूँ और जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। तो ये देखो गाइस वुड प्लैंक बना लिए मैंने, अब मैं जल्दी से इसका बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल। तो देखो गाइस क्राफ्टिंग टेबल आ गया, अभी चलो जल्दी से यहाँ से चलते और मेरा हंगर भी बढ़ रहा है, जल्दी से खाना पड़ेगा। अरे बेटा कहाँ पे हो, मुझे दिख रहे हो तुम विलेज में जाते हुए। अरे गाइस ये पापा मेरे को देख पा रहे, अभी क्या करूं, मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल तो आ गया है, अभी मुझे जल्दी से आयरन की पिकेक्स बनानी है, लेकिन मैं आयरन की पिकेक्स कैसे बनाऊंगा? अरे गाइस यहाँ पे मधुमक्खियां है, अगर मैं मधुमक्खी बन पाता ना तो पापा मेरे को पकड़ ही नहीं पाते। तो चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, पापा पीछे ही आ रहे होंगे। अरे बेटा कैसे हो? अरे गाइस देखो पापा पीछे आ रहे, जल्दी से जाते जल्दी से इस विलेज में घुस जाते ताकि पापा मेरे को पकड़ ना पाए। बेटा तुम विलेज में घुसोगे मैं तेरे को पकड़ लूंगा, कहाँ भागोगे, विलेज के बाहर तो नहीं जा पाओगे। अरे गाइस देखो यहाँ पे आयरन गोलम है, मैं आयरन गोलम भी बन सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ही आयरन गोलम है, अगर दो आयरन गोलम होंगे ना तो पापा को पता चल जाएगा। चलो जल्दी से इस घर में जाता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से ये किताब लेके यहाँ पे लिखता हूँ VILLAGER। और ये देखो गाइस मैं यहाँ पे विलेजर बन गया हूँ, ये अब पापा मेरे को पकड़ नहीं पाएंगे। अरे बेटा कहाँ हो विलेज में, मैं पूरा
विलेज छान मारा, तुम दिख नहीं रहे हो। अरे पापा मैं यहाँ पे हुई नहीं, मैं यहाँ पे हुई नहीं विलेज में। अरे लगता है बेटा मेरे को वो वाली ट्रिक आजमानी पड़ेगी। यहाँ पे बेल कहाँ पे है, मुझे पता चल गया तू यहाँ पे विलेजर बने हो। अरे पापा मैं विलेजर नहीं बनाऊ, मैं विलेजर नहीं बनाऊ पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा बेटे मेरे से होशियारी करोगे, अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो बेल है वो दबा के देखता हूँ। अरे पापा आप कहाँ पे हो? बेटा मैं बेल के पास हूँ, देखो ये बेल बजा रहा हूँ, टन 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 टन। अरे गाइस ये पापा बिल्ली बने। अरे भाई चलो चलो ये बेल बज गया है, अभी हमें जल्दी से घर में अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो पापा पकड़ लेंगे। जल्दी से इस घर में चलते हैं और यहाँ पे वेट करते हैं। अरे बेटा यहाँ पे तो सारे विलेजर घर के अंदर चले गए हैं, मतलब तुम होशियार हो गए हो, अब तुम इंटेलिजेंट हो गए हो, मानना पड़ेगा। अरे हाँ पापा मैं इंटेलिजेंट हो गया हूँ, तो चलो गाइस जल्दी से। अरे ये देखो पापा क्या कर रहे हैं, पापा ने आयरन गोलम को मार दिया। बेटा मैंने आयरन गोलम को इसलिए मार दिया ताकि अगर तू आयरन गोलम बन जाए तो मेरे को पता चल जाए। अरे गाइस चलो जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है मैं यहाँ पे यहाँ से निकलता हूँ, पापा को पता ना चले इस तरह से यहाँ से निकल जाता हूँ। तो देखो गाइस ये रहा मेरा क्राफ्टिंग टेबल, अभी यहाँ पे मेरे को स्टिक्स बनानी पड़ेगी, तो जल्दी से यहाँ पे मैं बहुत सारी स्टिक्स बना लेता हूँ। अभी स्टिक्स की मदद से यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पिकेक्स। तो देखो गाइस पिकेक्स रेडी हो गई है, अभी जल्दी से मेरे को यहाँ पे एक और एक्स बनानी पड़ेगी। ये हो चुकी है रेडी एक्स, अभी मेरे को जल्दी से है ना कोबल स्टोन चाहिए होगे, क्योंकि मुझे स्टोन पिकेक्स भी बनानी है और उसी की मदद से मैं आयरन को माइन करने जाऊंगा। अरे चलो गाइस जल्दी से यहाँ पे मेरे को कोबल स्टोन माइन करने हैं। यार इतने सारे कोबल स्टोन है लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे ये आयरन गोलम यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे यार ये विलेजर इतना दूर क्या कर रहा है, ये विलेजर इतना दूर कर क्या रहा है? अरे गाइस ये तो पापा है, मुझे विलेजर की एक्टिंग करनी पड़ेगी। चलो मैं विलेजर की एक्टिंग करता हूँ। अरे लगता है गाइस ये विलेजर भटक गया है, चलो इसको भटकने देते हैं, मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरे को हीरो ब्रायन को ढूंढना है। अरे गाइस मैं पानी में कैसे आ गया, चलो जल्दी से निकलते हैं उससे पहले कि वो आयरन गोलम देख ले, मतलब पापा देख ले, जल्दी से यहाँ से चलते हैं। तो चलो गाइस जल्दी से यहाँ पे चुपके से कोबल स्टोन ले लेते, ढेर सारे कोबल स्टोन ले लेते और स्टोन पिकेक्स बना लेते। ठीक है तो चलो गाइस जल्दी से यहाँ पे स्टोन पिकेक्स बना लेता हूँ। ठीक है ये मैंने स्टोन पिकेक्स बना ली, अभी मेरे को एक फर्नेस भी बनाना है, तो देखो मैंने एक फर्नेस भी बना लिया है। तो चलो गाइस अभी हमारा जो ये क्राफ्टिंग टेबल है ना वो लेके निकलते हैं। अरे ये विलेजर क्राफ्टिंग टेबल पे क्या कर रहा है? अरे गाइस जल्दी से भागते, पापा को पता चल गया कि यहाँ पे मैं विलेजर बनाऊ, तो चलो गाइस जल्दी से यहाँ से भागते। अरे बेटा रुक, बेटा कहाँ भागोगे, विलेज में जाओगे? अभी तुम विलेज में नहीं जा सकते, मैंने तुम्हें देख लिया है। अब तो तुम पकड़े जाओगे बेटे, नहीं बचोगे। अरे गाइस जल्दी से भागते, पापा मेरे पीछे पीछे आ रहे होंगे, देखो पापा बिल्ली बन रहे और पापा पीछे पीछे आ रहे। अरे पापा आयरन गोलम बन गए, अरे मैं तो पानी में चला गया। जल्दी से भागो, जल्दी से भागना पड़ेगा गाइस। अरे चलो जल्दी से गाइस किसी विलेजर के घर में घुस जाते और जल्दी से कोई और बन जाते ताकि पापा को पता ना चले। चलो जल्दी से जाते। अरे बेटा कहाँ भागोगे, बेल बजाने जाओगे? अरे नहीं पापा मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, बेल बजाना नहीं आता मेरे को। चलो गाइस जल्दी से इस घर के अंदर घुसते। अरे ये क्या लगा दिया मैंने, जल्दी से तोड़ना पड़ेगा। अरे टूट नहीं रहा, इससे टूटेगा, हाँ इससे जल्दी से टूट जाएगा। चलो इसे ले लेते और जल्दी से यहाँ पे। अरे विलेजर तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो चलो जल्दी से इस बुक में लिखते हैं CHICKEN चिकन लिखते है। तो देखो गाइस यहाँ पे मैं चिकन बन गया हूँ, अभी मेरे पे किसी को भी शक नहीं होगा। अरे देखो गाइस पापा आ गए, जल्दी से पानी में जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस मैं पानी में जाता हूँ, ठीक है चिकन बनने की एक्टिंग करता हूँ। अरे ये चिकन यहाँ पे अकेला क्या कर रहा है? चिकन क्या कर रहा है? अरे गाइस देखो पापा मेरे पीछे पड़े, जल्दी से भागते हैं यहाँ से। अरे यार ये चिकन थोड़ी ना बनेगा, चिकन थोड़ी ना कुछ कर पाएगा। चलो यहाँ से निकलता हूँ मैं, कहीं और जाके हीरो ब्रायन को ढूंढना पड़ेगा। अरे गाइस देखो पापा तो सबको तोड़ रहे हैं, लगता है पापा मेरे को बहुत ही गंदी तरह से ढूंढ रहे हैं। तो चलो गाइस हम यहाँ से निकलते हैं, अभी सीधा आयरन की खोज में चलते हैं, मुझे आयरन पिकेक्स तो बनानी है ना, जल्दी से मैं बना लेता हूँ। चलो गाइस चिकन बनने से एक फायदा हुआ कि अभी मेरे को फॉल डैमेज नहीं होगा, अभी मैं कितने भी ऊंचाई से गिरूं ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे गाइस मेरे को लगता है कि अभी भी ये हीरो ब्रायन है ना विलेजर ही बना हुआ, इसको मार के देखता हूँ। मर जा। अरे यार ये विलेजर तो नहीं बना था, मैंने फोकट में किसी विलेजर को मार दिया। अरे गाइस देखो पापा ने विलेजर को मार दिया है और मैं यहाँ पे पहाड़ी पे आ चुका हूँ। अच्छा मुझे लगता है कि अभी हीरो ब्रायन वो पहाड़ी पे होगा, क्योंकि मैंने उसको थोड़ी देर पहले वहीं पे देखा था, तो पक्का वहीं होना चाहिए। अरे गाइस देखो पापा को पता चल गया है कि मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं जल्दी से जाता हूँ, मेरे को आयरन कहीं पे दिख नहीं रहे, ये आयरन कहाँ पे है? जल्दी से मुझे कोई केव ढूंढनी पड़ेगी। अरे गाइस ये तो देखो कैसी गुफा है, कैसा इलाका है, कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मेरे को कोई आयरन नहीं दिख रहा है। एक मिनट गाइस यहाँ पे अंदर केव में जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़े बहुत कोल चाहिए होंगे। तो देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारे कोल है, जल्दी से मैं ले लेता हूँ। चलो गाइस इतने सारे कोल काफी है, अभी यहाँ पे मैं टॉर्च बना लेता हूँ, तो इतनी सारी टॉर्च काफी होगी। अरे गाइस मैं यहाँ पे चिकन बन गया हूँ, अब चिकन
बन के मैं भी उड़ उड़ के जाऊंगा और हीरो ब्रायन को पकड़ूंगा। अरे ये पीक तो नहीं है ना हीरो ब्रायन? अरे पापा देखो, अरे अरे पापा ने पीक को मार दिया। चलो जल्दी से निकलते हैं, यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ। ये तो गुफा खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक भी आयरन नहीं मिला है, लगता है वापस जाना पड़ेगा। अरे देखो गाइस, यहाँ पे तो देखो मैं बाहर आ चुका हूँ दूसरे रास्ते से, और पापा अंदर गए हैं शायद केव में। अरे यार ये केव तो काफी गहरी है और ये हीरो ब्रायन पक्का अंदर गया होगा। अरे गाइस देखो यहाँ पे भी आयरन है, चलो जल्दी से मैं आयरन ले लेता हूँ उससे पहले कि पापा आ जाए। चलो दो आयरन हो गए और वो आयरन तो काफी ऊपर है, वहां नहीं जाता हूँ, आगे चल के देखता हूँ कि कहीं और आयरन मिल जाए। अरे यार ये गुफा तो और भी अंदर जा रही है, ये हीरो ब्रायन पता नहीं कहाँ गया होगा आयरन खोजने के लिए। अरे गाइस देखो पापा को लगता है कि मैं अंदर आयरन खोज रहा हूँ, लेकिन सारे आयरन तो इधर बाहर ही मिल गए हैं, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो गाइस इतने आयरन काफी हो गए, अभी जल्दी से हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मेरे को जहाँ पे पापा ना देख पाए। अरे गाइस यहाँ पे तो देखो मेंढक आए हुए हैं, मेंढक को मारूं, ये काटेंगे मेरे को। अरे मेंढक तो नहीं काट रहे, चलो जल्दी से चलते हैं। अरे गाइस मैं भी बाहर आ गया हूँ और ये हीरो ब्रायन कहाँ गया है, जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। अरे ये मेंढक कहाँ से आ गए भाई? अरे गाइस देखो पापा भी यहाँ पे पीछे पीछे आ रहे हैं, जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे यार कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से मैं आसानी से ये आयरन को स्मेल कर सकूं। जल्दी से मेरे को कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, एक मिनट यहाँ पे कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे मेरे ने रख दिए और यहाँ पे जल्दी से आयरन लगा देता हूँ और यहाँ पे कोल लगा देता हूँ, जल्दी से आयरन को स्मेल्ट होने देता हूँ। इसको मैं ना कवर कर देता हूँ ताकि पापा को पता ना चले। अरे बेटा कहाँ पे हो तुम, दिख नहीं रहे हो। अरे पापा मैं कहीं पे नहीं हूँ, मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ। अरे गाइस जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। अरे ये कोबल्स तो इतने अजीब क्यों दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ पे कुछ सीन लग रहा है मेरे को, और यहाँ पे अंदर से आग का आवाज भी आ रहा है। अरे गाइस पापा को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, चलो मुझे उनके सामने आना पड़ेगा और पापा को कहीं पे ध्यान भटकाना पड़ेगा। हेलो पापा कैसे हो, मैं चिकन बना हूँ। अरे भागो जल्दी से भागो। अरे रुक बेटा रुक तू यहाँ पे। चलो गाइस जल्दी से यहाँ पे फॉल डैमेज नहीं आएगा, और जल्दी से यहाँ पे मैं पीछे से घूम के वापस जाके आयरन ले लेता हूँ जल्दी से। और गाइस अभी चिकन बन के काम नहीं है, अभी जल्दी से मेरे को हीरो ब्रायन बनना पड़ेगा। तो जल्दी से बुक ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हीरो ब्रायन। तो देखो गाइस यहाँ पे मैं हीरो ब्रायन बन गया हूँ, और ये देखो पापा भी स्टे बन चुके हैं, पीछे आ रहे हैं। अरे रुक बेटा रुक, कहाँ भागोगे? अरे पापा कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मैं तो जल्दी से जा रहा हूँ। अरे यार ये हीरो ब्रायन कहाँ गया, दिख नहीं रहा है। अरे चलो गाइस जल्दी से हम अपना जो फर्नेस था ना उसको निकालते हैं, और यहाँ से जल्दी से वो पिकेक्स बना के निकलते। अरे वो कहाँ गया, वो जगह कहाँ गई, मेरे को दिख ही नहीं रही है। अरे गाइस चलो चलो जल्दी से। अरे ये मधुमक्खी क्या क्या कर रही है यहाँ पे? अच्छा अरे वो रहा देखो, ये वो रहा मेरा कोबल स्टोन, चलो जल्दी से मेरा आयरन ले लेते। अरे ये मधुमक्खी ने डंक मार दिया मेरे को। अरे बेटा वो मधुमक्खी नहीं है, वो मैं हूँ। अरे गाइस जल्दी से पापा आ गए, जल्दी से हमारा आयरन ले लेते, और जल्दी से हमारा क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गया? अरे अरे जल्दी से उससे पहले कि मैं मर जाऊँ, जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ और जल्दी से मैं पिकेक्स बना लेता हूँ। अरे अरे और ये देखो गाइस मैंने आयरन पिकेक्स बना ली ये। अरे यार बेटा तुम बच गए, मरते मरते बच गए, मैंने मधुमक्खी बन के तेरे को मारने की कोशिश की थी। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने आयरन पिकेक्स बना ली है, और यहाँ पे मैं जीत गया हूँ ये वाली हाइड एंड सीक। ये आई होप कि आपको ये वाली हाइड एंड सीक पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।